गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन गरसाना। नाउ वी स्टार्ट अवर 8th क्लास सेकंड चैप्टर द सुनामी। दो सुनामी का सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस क्लास में, सो हम आज अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि थाईलैंड में एक डिजास्टर आया, थाईलैंड में सुनामी आ चुकी है और इसमें एक स्मिथ नाम की लड़की है जिसने बहुत सारे लोगों की हेल्प की, और जो एक स्कूल गर्ल है, 10 ईयर ओल्ड है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते। उसको क्या ब्रेवरी अवार्ड मिलता है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो ब्रेवरी अवार्ड ले या फिर जाकर के हीरोइन बन जाए सबके सामने, यानी कि फेमस हो जाए। तो देखो अब क्या है, द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। वाटर वाज स्वेलिंग, पानी में स्वेलिंग हो रही थी, यानी कि पानी बहुत हिल रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन, और वो आगे आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी स्मिथ को ये बातें याद है। क्या था, वाटर वाज स्वेलिंग, वाटर स्वेलिंग कर रहा था, स्वेल करना, बार बार हिलना, बहुत जोर से हिलना, एंड केप्ट कमिंग इन, अंदर ही आ जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी को ये सब बातें याद है। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच वाज गेटिंग, बीच जो था, जो पुल था, गेटिंग स्मॉलर, वो बहुत छोटा हो गया, यानी कि जब इसके अंदर पानी आना शुरू हो गया, कमिंग इन, बीच के अंदर पानी आना शुरू हुआ, तो पुल, बीच है ना, वो छोटा पड़ गया उस पानी से, पानी की वजह से। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग, हम नहीं जानते थे, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी वट वॉज हैपनिंग कि क्या घटित हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या घटित हो रहा है। जब अर्थक्वेक आया, सडनली अर्थक्वेक आया, और क्या है, सुमात्रा द्वीप के अंदर, तो जो पानी की लहरें थी वो बहुत ज्यादा हिल रही थी, पानी बीच के अंदर आने लग गया और बीच छोटा पड़ गया, इतना सारा पानी आ चुका था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को सेंस ये समझ आ गया था। टिली स्मिथ को क्या आ गया, सेंस मतलब समझ आना, टिली स्मिथ को ये समझ आ गया दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन, उसका दिमाग थोड़ा पीछे गया। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका दिमाग पीछे जाने लग गया टू ए ज्योग्राफी, भूगोल की तरफ, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, उसका दिमाग पीछे जाने लग गया भूगोल लेसन, भूगोल के पाठ की तरफ। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर, जो उसने लिया था, यानी कि जो उसने पढ़ा था, जो उसने रीड आउट किया था इंग्लैंड में, जस्ट 2 वीक्स बिफोर, केवल 2 हफ्ते पहले। She flew out to Thailand with her family. She flew out to Thailand. वह थाईलैंड से आ गई थी with her family, अपने परिवार के साथ, यानी कि उसने इंग्लैंड के अंदर 2 हफ्ते पहले ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा था, तो उसे वो चैप्टर याद आने लग गया कि क्या घटित होता है, किस तरह से होता है, और टिली को ये समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है, तो वो क्या है, अपने परिवार के साथ थाईलैंड आ चुकी थी। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने क्या देखा, समुद्र धीरे धीरे राइज ऊपर उठ रहा है, टिली ने देखा कि समुद्र क्या है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, फॉर्म मतलब झाग आना, और उसमें झाग आने शुरू हो गए हैं, बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल, ठीक है, बबल बार बार बुलबुले बन रहे हैं, बबल मतलब बुलबुले बनना, बार बार बुलबुले बन रहे हैं, एंड फॉर्म व्हर्लपूल, व्हर्लपूल होता है भंवर, पानी का जो होता है ना, गोल गोल घूमकर जो पानी का बनता है व्हर्लपूल, उसको बोलते हैं, बार बार एक गोल भंवर, ठीक है, एक गोल गोल घूम रहा है पानी। टिली ने क्या देखा, पानी की लहरें धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, धीरे धीरे ऊपर उठने की वजह से जब पानी बहुत तेज गति से ऊपर उठता है तो पानी के अंदर बहुत सारे झाग बनते हैं, फोम बनते हैं, ठीक है, बबल्स बुलबुले उठते हैं, और फोम व्हील पुल, उसने आकृति ग्रहण कर ली किस चीज की, राउंड घूमने की, एक व्हील पुल, एक गोल भंवर के रूप में पानी घूमने लग गया। She remembered that she had seen this class in a video or to a tsunami. She remembered, उसे याद आया, remember मतलब याद आया, उसे याद आया that she had seen, कि उसने देखा था इन क्लास, क्लास के अंदर एक वीडियो में ऑफ ए सुनामी को, यानी कि क्लास में एक वीडियो दिखाई गई थी सुनामी की, तो उसमें ये सब चीजें उसने देखी थी, दैट हैड हिट द हवान आइसलैंड इन 1946। वीडियो कौन सी दिखाई गई थी इनको क्लास के अंदर, सुनामी आया था, कहाँ आया था, हवान आइसलैंड के अंदर, हवान द्वीप है उसके अंदर 1946 में एक सुनामी आया, तो वो वीडियो उन्हें दिखाया गया था, तो वो वीडियो उन्हें याद आ गया। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उनके जो ज्योग्राफी की टीचर थी
उनके जो ज्योग्राफी के अध्यापक थे, ज्योग्राफी के टीचर थे, उन्होंने ये वीडियो उनकी क्लास को दिखाया था। कौन सा वीडियो? एक सुनामी का वीडियो, हेवान आइसलैंड में 1946 में आया था। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वैक, कि सुनामी का आने का कारण क्या है? अर्थक्वैक है। अर्थक्वैक मतलब धरती में कंपन होना, भूकंपना, ठीक है, भूकंपना। तो सुनामी के आने का कारण अर्थक्वैक है। अगर आपके क्वेश्चन आता है आगे कि सुनामी का कारण क्या है, तो द सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वैक, वोल्केन्स एंड लैंडस्लाइडेड, वोल्केन्स एंड लैंडस्लाइडेड, एंड लैंडस्लाइडेड ज्वालामुखी। क्या बोलेंगे वोल्केन्स को? ज्वालामुखी। एंड लैंडस्लाइडेड होता है लैंडस्लाइड होना, जमीन का खिसकना, ठीक है, भूस्खलन। क्या बोलेंगे इसको? भूस्खलन। तो क्या है सुनामी आने के कारण? या तो अर्थक्वेक है, या ज्वालामुखी है, या फिर भूस्खलन है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली चिल्लाना शुरू हो गई, स्टार्टेड टू स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना। लिली ने, टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया एट हर फैमिली, अपने परिवार के ऊपर, टू गेट ऑफ द बीच, और उस बीच से बाहर निकलने के लिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वह बात कर रही थी एक भूकंप के बारे में अंडर द सी, जो समुद्र के अंदर आ रहा था, जो समुद्र के नीचे आ रहा था। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, उसने बहुत ज्यादा, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा हाइपर हो गई थी। देखो हिस्टेरिकल क्या होता है? When you are hysterical, you shout, laugh, cry in wild excited. आप जब hysterical होते हो तब आप क्या करते हो? बहुत जोर जोर से चिल्लाते हो, बहुत जोर जोर से हंसते हो, ठीक है, और बहुत उत्तेजित हो जाते हो। तो वो क्या है? बहुत ज्यादा hysterical हो चुकी थी, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत जोर जोर से हंस रही थी, बहुत shout कर रही थी। तो क्या उसने क्या किया? अपने पेरेंट्स से बोला कि अपने इस बीच से बाहर चलते हैं, और उसने अपने पेरेंट्स को समुद्र में आने वाले अर्थक्वेक के बारे में बताया, और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू हो गई। सैड हर मदर पैनी, आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज। सैड हर मदर पैनी, उसकी माँ ने बोला कि आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज, कि मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी बहुत भयभीत है, ठीक है। उस स्मिथ की माँ ने उसको बोला कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, लेकिन जिस तरह से मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी बहुत भयभीत है, बहुत डरी हुई है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मैं सोचती हूँ समथिंग सीरियस, कोई तो गंभीर बात होगी, कोई तो गंभीर बात हो रही है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द, तो टिली के पेरेंट्स ने क्या किया? उस स्मिथ को और उसकी सिस्टर को वहां से दूर ले गए, फ्रॉम द बीच, बीच से दूर ले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। वो स्विमिंग पूल की तरफ चले गए, होटल के अंदर, होटल में स्विमिंग पूल बना हुआ था, वो वहां पर चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत सारे और टूरिस्ट भी थे, बहुत सारे और पर्यटक भी थे जो वहां घूमने के लिए आए हुए थे। उन लोगों ने भी क्या किया? लेफ्ट द बीच, पुल को छोड़ दिया, विद देम, उनके साथ। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। देन तभी क्या हुआ? इफ द एंटायर सी, पूरा समुद्र जो था, हैड कम आउट आफ्टर देम, कम आउट बाहर आ गया था, और आफ्टर देम उनका पीछा कर रहा था, आफ्टर देम, आफ्टर पीछा करना। जैसे ही वो उस बीच से बाहर निकले, उन्होंने क्या देखा? पूरा समुद्र बाहर आ गया। समुद्र का मतलब समुद्र की लहरें इतनी ऊपर उठ चुकी थी कि समुद्र का पानी समुद्र से बाहर निकल चुका था, और वो पानी कहाँ दौड़ पड़ा? जिस तरफ वो लोग जा रहे थे, उनके पीछे पानी चल पड़ा। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्लाई, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, मैं चिल्ला रही थी रन, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, द फैमिली, परिवार, टुक रिफ्यूज, शरण ले ली। रिफ्यूज क्या होता है? शरण लेना। परिवार ने शरण ले ली इन द थर्ड फ्लोर, तीसरे फ्लोर के ऊपर ऑफ द होटल, होटल में, यानी कि वो होटल के थर्ड फ्लोर के ऊपर जाकर रहने लग गए। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ द थ्री सुनामी वेव्स, बिल्डिंग विद स्टूड सर्ज, बिल्डिंग क्या थी? घेरी जा चुकी थी थ्री सुनामी वेव्स, तीन सुनामी की लहरों से। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो बीच के ऊपर ही खड़े रहते थे, यदि वो बीच के ऊपर खड़े रहते थे, द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ द थ्री सुनामी, तो वो बिल्डिंग सुनामी के अंदर बह सकती थी। दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वे अब जिंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि सुनामी बहुत हैवी,
सुनामी के लहरें हैं और इससे क्या है, बिल्डिंग कितनी देर खड़ी रहेगी, बिल्डिंग अपने आप को कितनी देर वहां पर खड़ा रखेगी, इफ दे आर डिस्टर्ब ऑन द बीच, यदि वो बीच के अंदर ही खड़े रहे तो सुनामी के लहर के साथ बह जाएंगे, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, जिंदा नहीं रहेंगे। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, स्मिथ बाद में दूसरे पर्यटकों से मिली, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, यानी कि बहुत सारी ऐसी फैमिली भी थी जिनके साथ वाले लोग, जिनके फैमिली मेंबर्स उस सुनामी के अंदर बह गए थे, तो उसने उन लोगों से मिली वो, जो उन्होंने अपने संपूर्ण परिवार को, एंटायर फैमिली जिनकी बह गई थी, थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, धन्यवाद किया उन्होंने टिली का और हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी के लेसन का, उसके भूगोल के चैप्टर का, दैट हैड बीन फॉरवर्ड, जिन्होंने उनको पूर्व चेतना दे दी थी, पूर्व वॉर्न करना, पूर्व सूचित करना, ठीक है, पूर्व चेतावनी देना, जिन्होंने उन्हें पूर्व चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड के अंदर, एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और अपने सहपाठियों को अपनी इस भयानक कहानी के बारे में बताया। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। देखो यहाँ क्या था कि उन्होंने थर्ड फ्लोर के ऊपर शरण तो ले ली थी, लेकिन द बिल्डिंग जो है वो कब तक खड़ी रहेगी, सर का मतलब इतनी गति, सुनामी की जो इतनी गति की लहरें चल रही है, इतनी तेज गति से वेव चल रही है, तो वो बीच में कब तक खड़े रह सकते थे, वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारे लोगों को सेव किया। उसके बाद उन लोगों से मिली जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, और वापस इंग्लैंड में जाकर के अपने सारे क्लासमेट्स को अपनी स्टोरी के बारे में बताया। चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर जो है सेकेंड पार्ट के, वो अपने कल करेंगे। थैंक यू।